नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज जंक्शन 24 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए अहम खबर की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं लाल कुआं की। तो विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज लाल कुआं शहर में पदयात्रा निकाली और शहर के लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान लोगों का हालचाल जाना, साथ ही चुनावी सरगर्मियों पर भी बातचीत की। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। जी हाँ, लालकुआ कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये डबल इंजन की ये सरकार आज कटघरे में खड़ी है। इस सरकार में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई। सरकार आने पर बिंदुखत्ता को राजस्व गांव या फिर नगर पालिका बनाने का काम जन भावनाओं के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। सत्ता में आने पर पुलिस कर्मियों की जो मांगे हैं, 4600 ग्रेड पे लागू किया जाएगा। उत्तराखंड और उत्तराखंडियत बचाने के लिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका अहम रहेगी। वही अमित शाह द्वारा स्ट्रिंग प्रकरण उठाते हुए उनके बारे में पूछे जाने पर स्ट्रिंग प्रकरण में हरीश रावत ने कहा कि दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करके देखे, ये भाजपा सरकार कारण था मेरे प्रति दुष्प्रचार करना बंद करें। अगर इसमें मेरे ऊपर आरोप साबित होते हैं तो मैं अपनी राजनीतिक करियर से संन्यास ले लूंगा। पलायन रोकना, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाना, ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। 48 साल के राजनीतिक करियर में अभी तक किराए के मकान में ही रहा, लेकिन लालकुआं वासियों ने चाहा तो यहीं पर अपना आवास बनाऊंगा। तो अधिकांश लोग उस समय मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग थे, उधर से आए हुए या गढ़वाल से आए, मेरे पास आए आशीर्वाद मांगने और उसका प्रतिनिधित्व कर सकूँ, इसका सौभाग्य दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब पुछड़ी का एरिया है रामनगर में, तो वहाँ हमारे गांव के अलग अलग बगल के शिल्पकार नेता रामलाल जी के नेतृत्व राजनीतिक जीवन किराए पर काट दिया। अब कहा है तो भाजपा के दोस्तों की कुछ सलाह तो मैं मानूंगा, उनकी ये सलाह मानूंगा। सर अमित शाह ने जिस तरीके सर अमित कहना चाहता हूं कि वो उनकी सरकार कितनी निकम्मी है कि एक भी पहचान जहां से हमने उत्तराखंड के भूमि संघर्ष का, भूमिहीनों के संघर्ष का शुरुआत की थी, राज्य फसल बीमा योजना प्रारंभ करेंगे केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के। दूसरा, हम कुछ जंगली जानवर जैसे वन रोज और सुअर हैं, उनको मारने की हमने पहले भी इजाजत दी थी। जिस बिंदुखत्ता के लोगों के साथ खड़ा हुआ 1980 में, 2022 में फिर से उनके साथ खड़े होकर के उनकी समस्या का समाधान निकाला। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए न्यूज जंक्शन 24। नमस्कार।